शिक्षा के साथ साथ खेलों का जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। आज भारत में ग्रामीण प्रतिभाओं ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपनी धाक जमाई है। खेल को हमेशा खेल की भावना से ही खेले, हार जीत कोई मायने नहीं रखती। ये बात शुक्रवार को खुचामन के निकटवर्ती ग्राम पंचायत जिलिया के गद्दी स्टेडियम में जगदाम्बा क्रिकेट क्लब जिलिया के तत्वाधान में फ्यूचर कप 2017 के शुभारंभ मौके पर नवा विधायक विजय सिंह चौधरी ने कही। इस शीतकालीन प्रतियोगिता का सुबह 10 बजे रंगारंग आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान टीम के कप्तान पंकज नैनीवाल तथा विशिष्ट अतिथि नवा विधायक विजय सिंह चौधरी रहे। भारतीय टीम के कप्तान रहे पंकज नैनीवाल ने प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर कहा कि मैं ग्रामीण क्षेत्र खाटू श्याम जी अभी राजस्थान के लिए क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैंने क्रिकेट में सर्वप्रथम वीरेंद्र सहवाग को टीवी पर खेलते हुए देखा, जिसके बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं भी एक दिन भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलूं। राजस्थान में सीकर जिले के खाटू श्याम जी में भारत के पूर्व स्टार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग आने वाले मार्च महीने में इंटरनेशनल क्रिकेट अकादमी का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण परिवेश के खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा व जिन खिलाड़ियों का चयन होगा उनके आगे की तैयारी के सभी खर्चे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड उठाएगा। इस अकादमी से चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलेगा। पंकज नैनीवाल ने बताया कि मैं जल्द ही अगले सेशन में राजस्थान टीम की ओर से आईपीएल मैचों में भी खेलूंगा। इसको लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। आने वाले समय में जयपुर में भी आईपीएल मैचों का अब आयोजन होगा। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला सरपंच केसाराम ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला ग्राम सचिव पोक करमल ढाका, पूर्व अध्यापक चारणवास ज्ञानाराम रणवा, भंवरलाल राठी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रतियोगिता आयोजककर्ता देवेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि उद्घाटन मैच पेरेवडी वर्सेस बांसा के बीच खेला गया। कारण है ग्रामीण प्रतिभा इतने लेवल पे मतलब नहीं पहुंच पाती है, जबकि क्रिकेट प्रतियोगिताएं हर साल आयोजित होती रहती है ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण बच्चों से आते हैं तो बाहर यहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिलती नहीं है। एकेडमी हो गए, खेलने की सुविधा अच्छी मिलती है नहीं, इसलिए इस कारण से प्रतिभा यहाँ की चढ़ रही है। जिस तरह से खाटू श्याम जी में ये जैसे दिल्ली हो गई, गुड़गांव हो गया, वहाँ पे अच्छी सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को और अन्य गेम को, इसलिए यहाँ पे कोई सपोर्ट करता है नहीं। जाके खेलना पड़ा हमें और मैं नहीं चाहता कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं वो यहीं प्रतिभा यहीं ख़त्म हो जाती है उनकी। उनके लिए भी हमारी टीम काम कर रही है। अभी मार्च में एकेडमी का उद्घाटन होगा, इंटरनेशनल एकेडमी, उसके डायरेक्टर है वीरेंद्र सहवाग, जो बच्चों को सपोर्ट करेंगे। उसके आधार पर इंडिया अंडर 19 टीम के लिए सेलेक्ट करेंगे बच्चों को। तो जो मेरे को सुविधा नहीं मिली, मैं नहीं चाहता कि ग्रामीण बच्चों को भी नहीं मिली, उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है। और जिले में आए जो हमारे बुलाए उनको भी हमें बहुत अच्छा लगा, जिले में आके भी और टीमें हैं उनको अभी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, टूर्नामेंट में अच्छा करें। मैं तो खिलाड़ियों से यही कहना चाहता हूँ कि खेल हार जीत कोई मायने नहीं रखती है, खेल खेल की भावना से खेलते हुए हमें श्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और जीवन के अंदर खेल बहुत अनिवार्य है। हमें शिक्षा के साथ साथ खेल का भी विशेष हमारे जीवन में योगदान होना चाहिए, इससे शारीरिक मानसिक क्षमता बढ़ती है। और आज जो यहाँ जो प्रतिभा है तो ये नहीं है कि भाई हमें अंदर से